गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन रीजन जो है वेरियस बैंड्स की हमने पढ़ी थी कि एक टेबल मैंने आपको बताई थी, अभी मैं आपको आज भी थोड़ा सा रिपीट कराती हूँ वो टेबल। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमारा आईआर स्पेक्ट्रम अगर हमारे पास है कंपाउंड्स का, तो हम उस आईआर स्पेक्ट्रम से किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस कंपाउंड का आपका आईआर स्पेक्ट्रम है, यानी कि इन जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा आज हम करेंगे कुछ सिंपल हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आईआर जो हमने पढ़ा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वो आईआर एब्जॉर्प्शन रेंज हमने पढ़ी, वो आईआर एब्जॉर्प्शन रेंज होती है हमारी 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा आईआर रीजन है जिसमें हमारे बैंड्स आएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे जो बैंड्स आईआर रीजन में आने हैं वो क्यों आते हैं, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर वाइब्रेशन, क्योंकि आपके बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप के हैं और उनकी वाइब्रेशंस, मॉलिकुलर वाइब्रेशंस उनमें डिफरेंट टाइप की है, तो उस बेसिस पर आपके आईआर जो बैंड्स हैं वो आने हैं। तो आईआर बैंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हमारे किस रेंज में आने हैं, 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स में आने हैं। तो ये जैसे इन जनरल हमारा आईआर स्पेक्ट्रम, अगर आईआर स्पेक्ट्रम नहीं है, ये मैंने आपको रीजन्स बताए हैं कि किस किस रीजन में आपका किस किस बॉन्ड की वजह से बैंड आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका अगर आपका 4000 से लेके 2500 तक बैंड आया है, ठीक है, तो इस रीजन में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किसकी वजह से आती है, वो आपकी आती है NH बैंड की वजह से, OH बैंड की वजह से और CH बैंड की वजह से। अगर NH स्ट्रेचिंग है आपकी, OH स्ट्रेचिंग है, CH स्ट्रेचिंग है, तो आपका बैंड जो है 4000 से लेके 2500 तक अप्रोक्सीमेटली आपका ये बैंड आएगा, ठीक है। देन अभी मैं दोबारा से आपको पूरी टेबल बताऊंगी। देन अगर हमारा बैंड 2500 से लेके 2000 तक के बीच में है, तो वो हमारे बैंड किस वजह से आए हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बोन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से आपके बैंड आएंगे इन रीजन ऑफ 2500 टू 2000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। देन आपका अगर 2000 से लेके 1500 तक, 2000 से लेके 1500 तक अगर आपका बैंड आ रहा है, तो वो बैंड किसकी वजह से आएंगे, वो बैंड आपके आएंगे सी डबल बॉन्ड सी की वजह से, सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से और सी डबल बॉन्ड एन की वजह से, ठीक है। देन अगर आपका अब 1500 सेंटीमीटर से नीचे आपके बैंड है, तो आपको पता है दिस रीजन इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बैंड्स आते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो अगर यहाँ पर आपके बैंड आए हैं, तो आपका सी सी, सी ओ एंड सी सिंगल बॉन्ड एन और यू कैन से सी हेलोजन बॉन्ड अगर आपका प्रेजेंट है, तो आपके इस रीजन में आपके बैंड्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो इन जनरल मैंने आपको रीजन्स के साथ बताया कि अगर इस रीजन में है तो ये आपके बैंड्स आएंगे। तो अब ये जो बैंड्स आएंगे, डिफरेंट आईआर बैंड्स आएंगे, वो किन के आते हैं, किन बॉन्ड्स के आते हैं, तो व्हाट आर आईआर एक्टिव बॉन्ड्स, तो जो पोलर होंगे, ओनली पोलर बॉन्ड्स आर आईआर एक्टिव। ये मैंने आपको सिलेक्शन रूल में बहुत अच्छी तरह बताया था कि देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। आप सिलेक्शन रूल वाली वीडियो दोबारा से देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है ये पॉइंट। जैसे कि इथीन है, अब इथीन का कोई बैंड नहीं आएगा क्योंकि इथीन आपका पोलर नहीं हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन है, उसका कोई बैंड नहीं आएगा, क्लोरीन है, उसका कोई बैंड नहीं आएगा। बट अगर आप HCl कर दें, अब HCl जो है आपका दैट इज़ नॉन पोलर, तो HCl की वजह से बैंड आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोपीन कर दें, प्रोपीन अब आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
तो ये सिमेट्रिकल था, यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, ये अनसिमेट्रिकल है, सम डाइपोल मोमेंट विल बी देयर, तो पोलैरिटी हो गई, तो यानी बॉन्ड विल बी देयर इन केस ऑफ प्रोपीन। ठीक है, अब जो बॉन्ड्स आपके आएंगे वो थ्री इंटेंसिटी के आएंगे, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। अब स्ट्रॉन्गली जो पोलर ग्रुप्स हैं, पोलर बॉन्ड्स हैं, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हैं, उनके आएंगे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, मीडियम पोलैरिटी के हैं या आपके एसिमेट्रिक बॉन्ड है मीडियम, जैसे आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, वो आपका मीडियम पोलैरिटी का आता है आपका, यहाँ पर इस तरह से पीक उसकी आएगी। और जो वीकली पोलर बॉन्ड्स होते हैं या सिमेट्रिक बॉन्ड्स होते हैं, सिमेट्रिक की वजह से तो नॉन ऑब्जर्वेबल बैंड्स, यानी आपके बैंड्स आएंगे नहीं, और जो वीक पोलर हैं उनके बैंड्स आपके वीक आएंगे लाइक दिस, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दिखाया है, सी डबल बॉन्ड हो अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का मीडियम आता है, ये आपका प्रोपाइन हो गया, यहाँ वीक आएगा, असिमेट्रिक हो गया ये आपका, और यहाँ पर ये देखिए आपका सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल होने की वजह से नॉट ऑब्जर्वेबल, इसका कोई बैंड ही नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर, देयर इज़ नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट इन दिस मॉलिक्यूल। देन ये टेबल है, ये मैं एक बार दोबारा आज रिपीट कर देती हूँ जल्दी जल्दी, ये टेबल हम वैसे अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वेरियस एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखाए हैं मैंने आपको, कि जैसे एल्केन है तो एल्केन में आपका CH स्ट्रेचिंग बैंड जो है वो आपका 2850 टू 2970 के आसपास आपका बैंड आएगा, या 1340 से 1470 पे इसका स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। अगर एल्कीन्स का CH है तो वहाँ पर 3010 से 3095, एल्काइन्स का है तो 3300 पर, और अगर एरोमेटिक रिंग है तो वहाँ ये आता है 3010 से 3100 पर। ठीक है, ये आपकी CH स्ट्रेचिंग हो गई। देन OH में आपका लॉन्ग डिफरेंस चलेगा, आपका लगभग 2500 से लेके 3600 तक, आपका 3700 तक बैंड आएगा OH स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, देन NH ग्रुप अगर आपका है, NH ग्रुप आपका वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ भी ब्रॉड रेंज रहेगी, और सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन्स हैं आपका तो आपका बैंड आएगा 1610 से 1680 तक, एरोमेटिक रिंग्स में 1500 से 1600, एल्काइन्स में 2100 से 2260 पर ये बैंड आएगा। देन आपका सी एन बॉन्ड जो कि एमीन्स में और एमाइड्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ आपका आएगा सी एन बॉन्ड 1180 टू 1360। देन आपके साइनाइड्स होते हैं नाइट्राइल्स, वहाँ आपका आएगा 2210 टू 2280 सेंटीमीटर इनवर्स। देन आपका सी ओ बॉन्ड है अगर आपका प्रेजेंट है, जो कि आपका एल्कोहल्स में, एस्टर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और ईथर्स में होता है, तो वो आपका बैंड आता है 1050 टू 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। देन कार्बोनिल मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड, ये आपकी पूरी रेंज चलेगी 1680 टू 1800 तक। देन नाइट्रो कंपाउंड्स जो आपके हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स में आपका 1500 टू 1570 और 1300 टू 3700 ये आपके बैंड्स आएंगे। ठीक है, ये साथ में मैंने इंटेंसिटी दिखा रखी है इनकी, तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, जब आप को अगर ये टेबल लर्न है तो आपको IR स्पेक्ट्रम किसी भी कंपाउंड का गिवन है तो यू कैन प्रेडिक्ट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो नेक्स्ट देखिए, अब बारी बारी से हम हर फंक्शनल ग्रुप का डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले मैं एल्केन्स का ले रही हूँ। अब जो एल्केन्स का IR स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी सिंपल होता है और कोई खास इंफॉर्मेटिव नहीं होता, क्योंकि एल्केन्स जो है उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट आपकी CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको लर्न करनी है, 3000 टू 2840 मेन आपकी ये वाली वाइब्रेशन रहेगी, जिससे कि आपको ये वाला जो बैंड आएगा आपका, ये बैंड आपका जो है ये ड्यू टू CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपका आएगा। देन यहाँ पर इस रेंज में ये आपकी ये बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से आएगा, बेंडिंग वाइब्रेशन CH2 बेंडिंग है तो वो 1465 पर आएगी, CH3 बेंडिंग है तो वो आपकी 1375 पे आएगी। ये CH3 बेंडिंग हो गई, ये CH2 बेंडिंग हो गई।
ठीक है, देन ये आपका कोई खास मैटर नहीं करता बैंड, आपको ये बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग सी एच वाइब्रेशन से आपको पता चल जाएगा। अब और कोई भी बैंड इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज सिंपल स्पेक्ट्रम ऑफ एल्केन। देन एल्कीन्स, अब एल्कीन्स में आपका क्या है, एल्कीन्स में देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग बैंड आपका आएगा इसमें इन द रीजन ऑफ 1680 टू 1620 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये जो बैंड आपका होता है लगभग मीडियम इंटेंसिटी का होता है, तो देखिए ये आपका बैंड है मेन बैंड सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच, ठीक है। देन सी एच स्ट्रेच भी आएगा, सी एच स्ट्रेच इसमें आएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सी एच है, तो ये आपका आता है डबल बॉन्ड सी एच वाला 3095 से 3010 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। तो ये आपका जैसे हो गया ये वाला बैंड, ये जो कम है ये वाला आपका किसका है, ये sp3ch का है, यानी कि सिंगल बॉन्ड ch भी बॉन्ड अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि ch3 है ये यहाँ पर, तो ये इसकी वजह से बैंड आ जाएगा। और देन देयर इज ch आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, ये जो दिखाई है ch आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन इसमें आएंगे इन रीजन ऑफ 1000 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड आपके आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो कंपाउंड है वो आपका एल्कीन है, क्योंकि विनाइलिक स्ट्रेचिंग होती है, ये डबल बॉन्ड सी एच, सॉरी यहाँ बेंडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपके आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन आपके बैंड आएंगे इन रीजन ऑफ 1000 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स। देन है आपका एल्काइंस, अब एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो आपके यहाँ पर आपको मेन यही दो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी लर्न करनी है, एक तो कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग की वजह से, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग की वजह से जो आपका बैंड आता है वो 2100 टू 2260 पर आपका ये बैंड आता है, और ये वीक इंटेंसिटी का ही होता है लगभग, देखिए ये आपका बैंड है, ये आपका वीक इंटेंसिटी का ही बैंड है। देन आपका सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आएगा, सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का ये आपका स्ट्रॉन्ग बैंड होता है, ये आपका ये बैंड है, तो ये दो बैंड आपको ये बताते हैं कि आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, और आपका इट कैन बी एल्काइन, देन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड सी एच बैंड भी इसमें होगा आपका, ये आपका लगभग जो है 650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ये बैंड आता है बेंडिंग वाइब्रेशन का, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो एल्काइंस का स्पेक्ट्रम है। देन एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक कंपाउंड में क्योंकि डीलोकलाइजेशन है, तो देर इज पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड से, तो इसमें क्या होगा, जो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी आएगी वो आती है लगभग 1600 एंड 1475, ये पेयर्स में आती है, या जनरली ये फोर वाइब्रेशंस आपकी आ जाती हैं सी स्ट्रेचिंग की वजह से इन एरोमेटिक रिंग। और ये जो आपके नंबर ऑफ बैंड्स यहाँ पर आ रहे हैं लगभग, ये प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं इसके अंदर, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, और इस रीजन में अगर ये पीक्स नहीं आ रही तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। देन सी एच स्ट्रेच यहाँ पर आपका आएगा 3050 टू 3010 सेंटीमीटर इनवर्स, आपकी वेरिएबल इंटेंसिटी की ये आपकी रहेंगी, और डबल बॉन्ड सी एच बेंडिंग वाइब्रेशन आपका आएगा 900 टू 680 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, ऑर्थो भी, ऑर्थोडाई सब्स्टिट्यूटेड भी, मेटा भी एंड पैरा भी, तो देखिए उनमें वहाँ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपकी रिंग है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे ये टोलविन का स्पेक्ट्रम मैंने दिया है, तो मैं अब आपको यहाँ पे मेन वाइब्रेशन बता रही हूँ, ये जो सी एच स्ट्रेच है ये तो आपका आना ही है अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास, आपके यहाँ पर जो बेंडिंग वाइब्रेशन से आप पता चले, ये सी सी भी आना ही है एरोमेटिक में,
ठीक है, 1600 के आसपास। ये देखिए आपके, ये यहाँ पे एकदम से पेयर्स में बैंड्स आते हैं, लगभग 4 बैंड्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो ये देखिए 4 बैंड्स आर देयर। तो यहाँ से इस चीज़ को देखते ही आपको पता चल जाता है कि योर कंपाउंड इज़ एरोमेटिक, राइट। देन आपकी ये जो वाइब्रेशन है, ये जो है 2 वाइब्रेशन आई है एट 690 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर रिंग है तो वहाँ पर आपकी ये 2 बहुत ही स्ट्रोंग बैंड्स आएंगे, स्ट्रोंग रहेंगे ये बैंड्स, इनकी इंटेंसिटी स्ट्रोंग रहेगी। तो इन 2 बैंड्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा योर कंपाउंड इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, ऑर्थो में एक ही स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा यहाँ पर अराउंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखिए 750 पर एक आपका स्ट्रॉन्ग बैंड अगर प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ये देखिए ऑर्थो डाइथाइल बेंजीन मैंने आपको दिखाया है। देन आपका अगर सपोज करो मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड में आपके 3 बैंड्स आएंगे यहाँ पर 690, 780 एंड 880 पर। आप देखिए अगर 3 बैंड्स आपके प्रेजेंट हैं, 3 बैंड्स में आपकी एक जो है वीक इंटेंसिटी का रहेगा, 2 आपके मीडियम इंटेंसिटी के रहेंगे, तो ये चीज़ आपको ये बताएगी कि योर कंपाउंड इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए आपका ये है मेटा डाइथाइल बेंजीन, राइट। देन अगर आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड है तो वहाँ आपका एक ही बैंड आएगा 800 टू 850 सेंटीमीटर इनवर्स पे, वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड आपका आएगा। तो ये आपको ये बता देगा वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड यहाँ पर अगर आपका आ रहा है पैरा में, इसके ये आपका आएगा 800 टू 850 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑर्थो में इसकी जो है वो डाउन हो जाती है, ऑर्थो में लगभग ये 750 के आसपास आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो ये देखिए आपका पैरा ही हमने दिखाया है, ये पैरा है आपका, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब एल्कोहल्स और फिनोल्स में आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है, एलिफेटिक के साथ प्रेजेंट है तो वो आपका एल्कोहल हो जाएगा, एरोमेटिक के साथ प्रेजेंट है तो वो आपका फिनोल हो जाएगा। तो नेचुरली OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इसमें आएगी, जो मेन होता है बहुत ही ब्रॉड और इंटेंस आएगा। ये ब्रॉड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो जाता है और लगभग आपका 3400 टू 330 बल्कि 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये बैंड आपका आएगा। एंड देन CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी इसमें आती है, एल्कोहल्स में CO बॉन्ड प्रेजेंट है, CO बॉन्ड आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड आता है इन रीजन ऑफ 1260 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो CO बॉन्ड की पोजीशन है इससे आप टाइप ऑफ एल्कोहल डिटरमाइन कर सकते हैं। फिनोल्स में ये आपका आएगा 1220 सेंटीमीटर इनवर्स। फिनोल्स में देखो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है फिनोल्स में हायर फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि फिनोल्स में जो है कंजुगेशन हो गई है ऑक्सीजन एटम की विद बेंजीन रिंग। ये आपकी बेंजीन रिंग है और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो है देर इज़ कंजुगेशन विद योर बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दैट विल एक्वायर स्लाइट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है उस दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स हायर वेव नंबर, तो वो आपकी हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे आपका उसका बैंड आएगा। तो देखिए 1220 पे बैंड आया तो आपका एरोमेटिक यानी कि फिनोल होगा, ठीक है। देन आपका टर्शरी एल्कोहल में ये बैंड आएगा 11500 सेंटीमीटर इनवर्स पर, सेकेंडरी में 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो आपका ये बैंड आएगा 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ठीक है। सबकी इंटेंसिटी इनकी जो बैंड्स की है वो स्ट्रोंग रहेगी। देखिए जैसे अब ये आपका एल्कोहल का बैंड है तो यहाँ आपको देखिए ब्रॉड बैंड मिलते ही आपको ये पता चल जाता है कि आपका अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो OH ग्रुप है, नाइट्रोजन होता है अगर आपका तो NH की वजह से भी यहाँ पर स्ट्रोंग बैंड आता है। तो ऑक्सीजन OH बैंड आपका हो गया, ये पता चल गया आपको। CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आनी ही आनी है इस रीजन में, ठीक है। देन ये CO स्ट्रेच आपको बताएगा, ये CO स्ट्रेच आपको बताएगा कि किस टाइप की एल्कोहल आपकी प्रेजेंट है,
प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या आपकी फिनोल है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको जो CO बॉन्ड की है, CO बैंड की जो एग्जैक्ट लोकेशन आई है, उससे आप ये पता लगाएंगे कि वेदर योर कंपाउंड इज़ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। देन आपका मेन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल ग्रुप आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में होगा, आपका जैसे एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में होगा, एसिड्स में होगा और चारों एसिड डेरिवेटिव्स में होगा, जिसमें आपके एमाइड आ जाएंगे, एस्टर आ जाएंगे, एनहाइड्राइड आ जाएंगे और एसिड क्लोराइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ बैंड आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड आता है इन रीजन ऑफ 1680 लगभग, आपका ये जो है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड अगर आपका आता है तो आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने आपको सब कंपाउंड्स की वाइब्रेशन दे दी हैं। यहाँ पर 1690 पर एमाइड्स में, 1710 पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, 1715 पर कीटोन्स में, 1725 पर एल्डिहाइड्स में। ये वेरिएशन क्यों हुआ है, ये सारा हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो वाली वीडियो आप देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कि ये क्यों मूव कर रहा है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स का मैं बताऊं तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट आ गया आपका, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है कीटोन्स में क्योंकि दो आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिससे आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देन एस्टर्स में 1735 के अराउंड आएगा। अब एनहाइड्राइड में क्योंकि आपके दो कार्बोनिल ग्रुप है, वाइब्रेशनल कपलिंग की वजह से दो बैंड्स आएंगे, एक 1760 पर आएगा, एक 1810 पर आएगा। और देन आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में अब क्योंकि नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, क्लोराइड है, तो इसकी सबसे ज़्यादा पे आपकी 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपका बैंड अगर आपका आता है तो दैट इज़ योर एसिड क्लोराइड, राइट। तो इन जनरल मैंने आपको एक आपका ये दिखा दिया है एल्डिहाइड कीटोन का जनरल केस देके, तो ये बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग बैंड आपका आ रहा है तो देयर इज कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, राइट। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये आपका लगभग 1700 से लेके 1730 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आएगा इन सिंपल एलिफेटिक एसिड्स, क्योंकि वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर अब यहाँ पर आपकी कॉन्जुगेशन हो जाए किसी भी एल्कीन के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ तो उससे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी, कॉन्जुगेशन जो है दैट ऑलवेज डिक्रीजेज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। देन OH स्ट्रेच की बहुत ही ब्रॉड पीक आएगी लगभग 3400 से 2400 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। और ये हाँ देखिए, इस रीजन में आपकी CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी आती हैं, तो ये पार्शियली ओवरलैप कर जाती हैं CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के साथ। देन CO तो आना ही है, इसके अंदर एसिड्स है तो नेचुरली यहाँ पर जो है 13202-1210 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपका CO स्ट्रेचिंग बैंड आएगा मीडियम इंटेंसिटी का। तो देखिए ये आपका एसिड्स का केस है, तो एसिड्स में ये आपका CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा और ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बैंड है, और इसने स्ट्रॉन्ग बैंड ने OH ने जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसके बैंड्स आपस में ये ओवरलैप कर जाते हैं इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि इसी रीजन में आपका जो है OH का बैंड आना है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का और यहीं पर आपका CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आना है, तो ये आपके पार्शियली ओवरलैप कर जाते हैं इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो आपके हैं C डबल बॉन्ड O स्ट्रेच भी आएगा, CH स्ट्रेच भी आएगा, तो ये दोनों बैंड आपके जो हैं आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। देन एमीन्स की अगर हम बात करें, अब एमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो NH स्ट्रेच बैंड आएगा, यहाँ भी ब्रॉड रहेगा, ये आपका रेंज जो है 3500 to 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपका NH बैंड आएगा।
देन प्राइमरी अगर एमीन्स है तो एनएच बैंड्स जो आपके आएंगे वो 2 आएंगे, सेकेंडरी में आपका 1 आएगा, और टर्शरी में क्योंकि एनएच होता ही नहीं तो टर्शरी में एनएच बैंड जो है, टर्शरी एमीन्स हैव नो एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन, नो एनएच बैंड। जैसे टर्शरी एमीन इज R3N, तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसीलिए आपका कोई बैंड नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंडरी एमीन में 1 बैंड आएगा, एलिफेटिक एमीन्स में वीक आता है, और अगर एरोमेटिक हो तो आपका थोड़ा स्ट्रोंग रहेगा ये। देन देर इज NH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन एट अराउंड 800 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये देखिए मैंने प्राइमरी एमीन का दिखाया है, तो प्राइमरी एमीन्स में यहाँ आप देखिए, यहाँ से एकदम से आपको पता चल जाएगा, यहाँ अगर ये NH की वजह से 2 बैंड आए हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशनल कपलिंग आपको मैंने बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में, तो वाइब्रेशनल कपलिंग की वजह से NH2 अगर आपका प्रेजेंट है, प्राइमरी एमीन है, तो यहाँ आपके 2 बैंड आएंगे। एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी एमीन, अगर आपका सेकेंडरी एमीन है तो ये देखिए एक सेकेंडरी एमीन का केस है, डाईब्यूटाइल एमीन सेकेंडरी एमीन, तो यहाँ पर आपका NH बैंड 1 आएगा। और अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में ये NH बैंड प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। देन सेकेंडली आप CN स्ट्रेच आप देख सकते हैं, एमीन्स के केस में ये जो CN स्ट्रेच है ये आपका स्ट्रॉन्ग बैंड आपका आता है, एमीन्स के केस में CN स्ट्रेच की वजह से स्ट्रॉन्ग बैंड आपका आएगा, इन केस ऑफ ये आपका लगभग 13002000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ये आपका स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। देर इज NH आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन एट अप्रोक्स 800 सेंटीमीटर इनवर्स इन केस ऑफ एमीन्स, ठीक है। तो ये आपका था सिंपल कंपाउंड्स का, मैंने आपको पीक्स बताई क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो अब आपको देखिए कोई भी आपको IR स्पेक्ट्रम गिवन है तो आप किस तरह से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, हाउ टू एनालाइज IR स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप IR स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद हायर फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि आपने क्या करना है, बिगिन बाय लुकिंग इन द रीजन फ्रॉम 4000 टू 12500। आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, यहाँ आपकी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से आपकी स्टार्ट है, यहाँ आपके 667 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने 4000 सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि ऐसे इस तरह से आपको वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज पे जो जो बैंड्स आपके आए हैं वो स्टडी करते जाने हैं, ठीक है। यानी कि यू हैव टू स्टार्ट विद हायर फ्रिक्वेंसी एंड, पहले आपको जो है फंक्शनल ग्रुप रीजन देखना है एंड देन आपने मूव करना है फिंगरप्रिंट रीजन की तरफ, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर आपका CH स्ट्रेचिंग बैंड आ रहा है अराउंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आता है, अब उसके राइट में आपके बैंड्स प्रेजेंट हैं, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। और अगर इसके लेफ्ट में आपके बैंड्स आ रहे हैं तो नेचुरली आपका सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एरोमेटिक ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड ये चीज प्रेजेंट होंगी। देन अगर आपका कार्बोनिल रीजन में, कार्बोनिल रीजन बहुत ही ज़्यादा आपका होता है 16802 लगभग 1800 चला जाता है एसिड क्लोराइड्स के केस में, अगर इस रीजन में बैंड आ रहा है, इस रीजन में बैंड आने के साथ साथ अगर आपका OH बैंड भी आ रहा है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, CO बैंड भी आ रहा है तो आपका एस्टर होगा, ठीक है। अब ईथर मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ईथर में कार्बोनिल ग्रुप का बैंड नहीं आएगा, मैं कार्बोनिल के एडिशन में आपको बता रही हूँ, कार्बोनिल के एडिशन में अगर OH बैंड है, OH बैंड जैसे ये आपका प्रेजेंट हुआ, OH बैंड है तो एसिड है, CO बैंड है तो आपका एस्टर हो सकता है, CH बैंड है CH बैंडिंग वाइब्रेशन जैसे यहाँ पर आपका जो है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड्स के केस में CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी आती है तो आपका एल्डिहाइड होगा, और अगर NH बैंड भी प्रेजेंट है तो आपका एमाइड होगा, और इनमें से कोई और बैंड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल का बैंड प्रेजेंट है तो आपका वो कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन में RR आपके अटैच होते हैं, तो कोई और एडिशनल बैंड ये जो मैंने शो किए हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आपने प्रेडिक्ट करना है। अब जैसे आपका एक ब्रॉड बैंड आ गया आपका लगभग 3500 to 32 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, ठीक है। तो अगर ब्रॉड ओएच बैंड आपका आ गया तो दैट विल बी योर एल्कोहल और फिनोल, वो आपका एल्कोहल हो सकता है या फिनोल हो सकता है। तो फिर अब आप पता लगाएंगे, अगर एरोमेटिक वाली वो जो 4 वाइब्रेशंस आई हैं, बैंड्स आए हैं, तो आपका फिनोल होगा, और फिनोल में जो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आती है, 1 to 20 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, तो आपका फिनोल हो जाएगा। और अगर वो लोअर पे आई है और एरोमेटिक वाले बैंड्स एबसेंट नहीं हैं तो वो आपका एलिफेटिक एल्कोहल हो जाएगा। देन अगर आपका सिंगल और डबल शार्प NH बैंड आपका आया है, अब NH बैंड आपका इस रीजन में आएगा 3400 to 3200 सेंटीमीटर इनवर्स, अगर अब वहाँ पर NH बैंड आपके 2 आए हैं तो प्राइमरी एमीन होगा, अगर आपका एक बैंड आया है सेकेंडरी एमीन होगा, और NH बैंड आया ही नहीं और बाकी CN बैंड वगैरह हैं आपके, तो वो आपका टर्शरी एमीन हो जाएगा, ठीक है। देन और आप क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रम की एनालिसिस के लिए? अगर CO स्ट्रेचेस हैं, सिर्फ CO स्ट्रेचेस हैं, CH तो रहेंगी, एल्काइल ग्रुप तो सब में प्रेजेंट होता ही है, तो आपका ईथर प्रेजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एस्टर है तो एस्टर में कार्बोनिल बैंड भी होता। अब मैं सिर्फ CO बैंड की बात कर रही हूँ, तो आपका दैट विल बी ईथर। देन सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है तो वो आपका एल्कीन हो जाएगा। एरोमेटिक स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं जो कि पेयर्स में आपके आते हैं तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी बैंड है जो कि आपका 2160 के आसपास आपका आता है तो वो एल्काइन हो जाएगा। और अगर नाइट्रो बैंड्स आए हैं आपके जो 2 आते हैं तो वो आपका नाइट्रो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रो में आपको पता है आपके नाइट्रो का जो आइडेंटिफिकेशन है 2 स्ट्रॉन्ग बैंड्स आपके आते हैं, एक 1560 सेंटीमीटर इनवर्स पर और एक 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अगर ये स्ट्रॉन्ग बैंड्स 2 प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड में तो आपका वो जो है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप IR स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर सकते हैं। और एक और बात कि IR जो स्पेक्ट्रम आपका होता है उसमें नेगेटिव एविडेंस समझते हो ना, नेगेटिव एविडेंस का मतलब है कि आपका नेगेटिव एविडेंस उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि पॉजिटिव एविडेंस। नेगेटिव एविडेंस का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ बैंड्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। अब आप किसी रीजन के अंदर आप देखें कि यहाँ बैंड्स प्रेजेंट नहीं हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपका 1680 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर आपका कोई बैंड प्रेजेंट नहीं है तो आपका देखिए आप ये कहेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो आपके कितने जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपने ओमिट कर दिया, आपने कह दिया कि उस कंपाउंड के अंदर ना ही एसिड होगा, ना ही एस्टर होगा, ना ही एमाइड होगा, ना ही एल्डिहाइड होगा, ना ही कीटोन होगा, ना ही एनहाइड्राइड होगा, ना ही एसिड क्लोराइड होगा, तो इतने सारे ग्रुप्स आपने ओमिट कर दिए, ठीक है। तो आपको देख एकदम से जैसे ही आपको IR स्पेक्ट्रम मिलता है तो आपको प्रैक्टिकली आप उसको उसके अंदर पॉजिटिव बैंड्स भी देखिए, नेगेटिव बैंड्स भी देखिए। नेगेटिव बैंड्स अब सी डबल बॉन्ड ओ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें सी डबल बॉन्ड ओ का बैंड नहीं आया तो देर इज 100% गारंटी ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट ग्रुप और यू कैन से बॉन्ड इन दैट मॉलिक्यूल, कि वो हो ही नहीं सकता। जैसे अब आपका वही मैं 1600 से 1800 तक लगभग बैंड नहीं आया तो आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कार्बोनिल ग्रुप के अलावा अब और चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या इन जनरल हर स्पेक्ट्रम में आपका जो नेगेटिव एविडेंस है वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि पॉजिटिव एविडेंस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर कि हाउ यू कैन इंटरप्रेट IR स्पेक्ट्रम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, थैंक यू।